अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं एक दफा फास्ट मोशन के साथ। ये मैंने ऊपर से सिलेक्ट कर लिया वो एरिया जो मैं फास्ट मोशन या स्लो मोशन में प्ले करना चाहती हूँ। तो चलें चल देखते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं। ये देखें वीडियो अभी एक नॉर्मल मोशन में चल रही है, जैसे वो सिलेक्टेड एरिया में आएगी देखें कितनी फास्ट हो गई। अब इसको हम स्लो मोशन के साथ करके देखते हैं। पहले हमने 4x पर फास्ट मोशन देखा, अब 0.2x पर हम स्लो मोशन करके देखते हैं। एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब वीडियो प्ले करते हैं। ये देखिए अब एक नॉर्मल मोशन में वीडियो चल रही है, अब जैसे स्लो मोशन वाला एरिया आएगा देखिए कितनी स्लो मोशन हो जाए, देखिए ज़बरदस्त। इससे अच्छा ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा आसान है इसके थ्रू वीडियो का एडिट करना, स्लो मोशन या फास्ट मोशन बनाना। यहाँ पर हमें आगे इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि हम वीडियो को या पिक्चर को जूम इन कर सकते हैं। आगे हमें म्यूज़िक सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ऊपर सेव वाले बटन प्रेस करके वीडियो से